आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन नहीं आयोजित की जाए कोई अन्य परीक्षा, सुरक्षा के करे बेहतर इंतजाम, परीक्षा केंद्र पर हो स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती। जिले में छिटपुट बवाल के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 20 ब्लॉकों पर दाखिल हुआ नामांकन पत्र, 14 सीटों पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना जाना तय। खजनी से भाजपा प्रत्याशी अंशु सिंह ने अपने समर्थकों के साथ किया नामांकन। 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के जन जागरूकता प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा मुकदमों का निस्तारण। हत्या के प्रयास में वांछित दो अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक देसी तमंचा, एक फायर खोखा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। राप्ती कॉम्प्लेक्स में भरा बरसात का पानी, दुकानदारों का हुआ लाखों का नुकसान, मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने कराया नालों की सफाई, नाले के मरम्मत का दिया निर्देश। जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 72 केंद्रों पर 14,038 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, सीएमओ ने कहा, अब तक 9,75,000 लोगों का किया जा चुका है वैक्सीनेशन, लोगों से की अपील, कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। विधायक संगीता यादव को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री तथा अमिता गुप्ता को महिला मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने का किया जाएगा कार्य, 2022 में प्रदेश में बनेगी भाजपा सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 37 लाख रुपए से नवनिर्मित टेनिस एवं बास्केटबॉल कोर्ट का एडीजी जोन और कुलपति ने किया उद्घाटन, टेनिस में दिखाए दो हाथ, कहा गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिलेगा बढ़ावा, देश विदेश में कर सकेंगे अपना नाम रोशन। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,314, अब तक 843 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 61 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर विनायक अग्रवाल ने कहा, कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं, सभी गांठ कैंसर नहीं। 35 साल से कम आयु वाले अधिवक्ताओं को 5,000 मासिक भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, कहा मांगों को शीघ्र पूरा करे सरकार। वार्ड नंबर 64 अहमदनगर चकसा हुसैन में सड़क व नाली निर्माण की मांग को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने एडिशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाए गए नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला आंशिक असर, सड़कों पर बेफिक्र घूमते नजर आए लोग। और गुरुवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई जगहों पर हुआ जलभराव, मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक छिटपुट बारिश के हैं आसार।